सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो। देखो बेसिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है SSR का एग्ज़ाम, ठीक है। SSR वैसे भी मैंने कैंडिडेट को बोला था कि SSR प्रीफर करो। MR का क्या था, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया, मान लो उनको नेवी ज्वाइन करना है तो कर लेंगे, लेकिन MR मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, SSR फिर भी ठीक होता है। तो SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और SSR का जो कल से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है आज के पेपर के बेसिस पर। बेसिकली होता क्या है, आपका इंडियन नेवी ही पेपर कंडक्ट कराता है 2017 से, जब से हम देखते आ रहे हैं इंडियन नेवी का, ठीक है। इनका एक ही पैटर्न रहा और उसी पैटर्न को हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, और आज उसका एग्जाम्पल आप सभी ने देखा इंडियन नेवी MR के पेपर से, ठीक है। MR के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट का मैंने आप थर्ड शिफ्ट का रिव्यू अच्छी PDF के साथ में टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कल भी आपका इंडियन नेवी SSR का जो आपको रिव्यू देखने को मिलेगा वो भी टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा, मतलब पहले वहाँ पे हम आप सभी के साथ में अपडेट कर देते हैं, तो फिर आपको हेल्प हो जाता है। चलो, क्योंकि बार बार वीडियो बनाओ फिर बार बार, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता चीज़ें, तो फिर ऐसे आपकी हेल्प हो जाती है। अब हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपने अभी तक जो पढ़ा है वही पढ़ना है। बस मैं दो चार पांच चीज़ें बताऊंगा, अगर बिल्कुल पक्के सिक्योर नंबर लाने हैं। कैपिटल करेंसी देखो आ रहा है, हाँ वो कुछ कह रहे थे भैया अब तो गुजरात और ये सब राजस्थान के कैपिटल करेंसी नहीं आएगा, भाई एक में इजराइल का कैपिटल पूछा है, एक में चिली का पूछा है, ठीक है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, और कोई ऐसा नहीं कि भैया लेवल का बहुत प्लस या बहुत माइनस हो जाएगा, इसी तरह का लेवल रहेगा। इंग्लिश में जो ग्रामर के रूल्स कराएं आप उन रूल्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कल आपको मैच करा दूंगा, ठीक है। वो कैप्स भी मैंने जो सेशंस कराए थे आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो मत देखो। वैसे वीडियो पे मैंने ट्रिक्स से याद कराया तो आपको फिर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने जो खुद में किए हैं ना उनको देख लेना, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर कर दोगे तो फिर आपको कोई भी आउट नहीं कर पाएगा। इंग्लिश वाला सेक्शन जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, इंग्लिश और GK दोनों स्कोरिंग होंगे आप सभी के लिए। ऐसा क्यों भैया, इंग्लिश तो हमारा कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको डायरेक्ट के दो डायरेक्ट मिल जाएंगे, दो एक टू पैसे मिल जाएंगे, दो पंचुएशन मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं पैसेज का आई होप फिर से आएगा, तो 4-10 नंबर तो वे बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है इंग्लिश की तो आप वहाँ पर एक दो दो चार वो कैप्स भी बना सकते हो, तो 15 नंबर तक आप इंग्लिश में ईजिली कर सकते हो, ठीक है। GK में बात कर लेता हूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप 5 क्वेश्चन कर पाओगे, और 2-4-5-10 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे। अब जैसे यही पूछेगा कि बता दो नीति आयोग के CEO कौन है, या फिर 2022 में जो अभी G20 समिट हुआ कहाँ पर हुआ, अगला कहाँ पर होगा, 2-4-5 कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिक के, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर कहाँ पे है, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप GK वाले सेक्शन पे भी 10 से 15 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हो, और यही दोनों आपके स्कोरिंग पॉइंट होंगे, यही दोनों आपके स्कोरिंग पॉइंट होंगे इफ़ यू आर वीक इन मैथ एंड साइंस, ठीक है। आप अगर इन दोनों में 15-15 नंबर कर लेते हो तो 2-4-5 स्टेट को छोड़ के आप सभी स्टेट का कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ साइंस में, तो साइंस में वही फिर से बोलूँगा, विटामिन से क्वेश्चन आएंगे, विटामिन से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका DC से क्वेश्चन आएंगे। ग्रेविटेशनल चैप्टर साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को कोई गुरुत्वाकर्षण को कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा हो जाता है, वर्क पावर एंड टाइम से भी आपको एनर्जी, वर्क पावर एंड टाइम एनर्जी से आपको क्वेश्चन चैप्टर से देखने को पक्का मिलेंगे, ओके। तो ये साइंस के हो जाते हैं, आप IISc भी देख सकते हो, ठीक है, IISc देख लेना। और अगर चाहो आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम है, अगर आपने मतलब ये मैं चीज़ें पहले बता चुका हूँ, बस ये इस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें देख लोगे तो पक्का ये चीज़ें आनी हैं, ठीक है। आप फार्मूले देख लेना, जैसे आज सोडियम बाइकार्बोनेट आया था तो आप देख लीजिएगा नौसादर क्या होता है, फिटकरी क्या होता है, ठीक है, धवन सोडा क्या होता है, छोटे छोटे सा। सो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे ये भी शेयर किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। आगे यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं SSR के बारे में बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी का, ठीक। अब मैथ्स आ जाता है, मैथ्स देखो अभी आज तो मैथ्स अलग टाइप का है, आपका मैथ अलग टाइप का होगा लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे जो फार्मूले बेस्ड होंगे, मतलब आप देख के ओरल कर सकते हो, ठीक है। मतलब और अगर रहा डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने होंगे तो इतने ही क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होंगे, बाकी 15 क्वेश्चन तक मॉडरेट होंगे, 5 to 6 ईजी होंगे, और 5 to 6 आप डिफिकल्ट मान सकते हो, ठीक है। तो आप इनमें से अगर 3-4-5 अगर आप मैथ में वीक भी हो तो आप ये इजिली करिएगा, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आप राइट करने की कोशिश करो, लगभग मैथ
में 10 क्वेश्चन राइट कर लेना, बस गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, गलती पे मत भगना, 7 से 8 10 क्वेश्चन भी करो कि ओके रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैथ में वीक हो और आपको 6-7 क्वेश्चन ही आए तो बस 6-7 ही करना, क्योंकि आपको 80 या 90 नंबर नहीं लाने। पहला पेपर क्लियर करने के लिए आप 50 नंबर भी कर लोगे तो इजली हो जाएगा। 50 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी हम इतना अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे 40-50 हो गया तो फिर आप ओके कर सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर डील डन कर सकते हो। ओके, हर एक सब्जेक्ट का बता दिया, पेपर सेंटर में टाइम से पहुंच जाना है, परेशान नहीं होना, चीज़ें बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चल रही है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। जैसा पेपर आज का आया है वैसा पेपर कल के लिए आएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आप सभी का कोई डाउट होगा नहीं, अब टाइम से आप सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाइएगा। बाकी जो कोई डाउट है तो कॉमेंट में जरूर आस्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे क्या लगा आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़े डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, चीज़ें टाइम टाइम से आप सभी को वहाँ पे हम इन्फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बस यही सारी का सारा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।